एक्सएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी बीसीडी के दिल्ली के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, और दिल्ली नहीं कई राज्यों के अंदर बीसीडी के चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे बीच में बीसीडी के कैंडिडेट डॉक्टर सतपाल गौतम जी। सतपाल गौतम जी, आज बीसीडी का चुनाव होने जा रहा है, तो सर आप उसमें कैंडिडेट हैं, तो क्या लगता है आपको ये जो इलेक्शन हो रहा है? ये देखिए, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का जो इलेक्शन है वो प्रतिनिधित्व का मामला है जी। और इसका जो कंसर्न है वो पूरे समाज से है, सिर्फ वकीलों से नहीं है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के जो एडवोकेट्स हैं वो अपने समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, और समाज को रिप्रेजेंट करने के कारण ही जितने भी लोग चुने जाएंगे उसमें, उसे चुने जाने के बाद हमारी बातें जो एडवोकेट्स की हैं वो एक मंच के समक्ष रखी जाएंगी। आज तक दिल्ली के इतिहास में, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के इतिहास में कोई भी अनुसूचित जाति से संबंधित एडवोकेट वहाँ पर चुन के नहीं जा पाए हैं। तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का इलेक्शन प्रत्यक्ष हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से समाज को प्रभावित करता है। उसका रीज़न ये है कि बार के जितने भी मेंबर होंगे वो बेंच में भी कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि उनकी बात में ताकत होती है, उनकी बात को सरकार सुनती है, और वो जब भी किसी को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो समाज का हो या गैर समाज के हो, उसकी बात में वजन होता है। लेकिन सतपाल जी, वो बात वही आती है कि जो आम चुनावों की तरह की वोट तो ले लिया जाता है, लेकिन वोट लेने के बाद में फिर वहाँ रबड़ स्टैम्प रहता है। जैसे कि मैं राजनीति में करूँ कि बाबा साहब के नाम से जीत के तो सब आ जाते हैं, लेकिन फिर वो वहीं तक सीमित रहते हैं कि उस दायरे तक सीमित रहते हैं, उस दायरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। सर, जो ये इलेक्शन है वो आम इलेक्शन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आम इलेक्शन में एक काम तो वही करना पड़ेगा ना। नहीं, काम बिल्कुल, काम जो समाज का है, कोई भी चुनाव प्रक्रिया किसी भी संस्था में जो एडिक्यूएट रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए होती है, जो समुचित प्रतिनिधित्व है उसके लिए होता है इलेक्शन प्रोसेस। ये बात सही है कि हमारे लोग जो हैं, जो चुन के जाते हैं, चाहे वो किसी भी मंच पर हो, अधिकतर लोग नहीं बोल पाते, और हमें ऐसे व्यक्ति को चुन के भेजना है जो बाबा साहब की बात करें, जो मिशन की बात करें, जो पिछड़ों की बात करें, जो अल्पसंख्यकों की बात करें, और जो एक सत्ता है जो एट्रोसिटी से लेस है, वो जो बायस माइंड से है, उस सत्ता को चुनौती दे। हमें ऐसे व्यक्तियों को किसी भी निर्वाचन माध्यम से चुन के भेजना चाहिए। डॉक्टर, कभी कभार बात ऐसी होती है कि मुंह पे ही गाली पक देते हैं लोग, उस गाली को सही नहीं कहा जाता, और आपने अभी जो एक मंत्री थे उनसे वीके सिंह ने वो एक कुत्ते की वो एक मिसाल दी थी, आपने उस पर केस किया, तो आप इस तरीके से अगर जीत के आते कि आपका यही दायरा रहेगा? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जनरल वीके सिंह के खिलाफ कुत्ते के शिकायत, कुत्ते शब्द की के कारण उस पर केस किया। बाबा रामदेव ने जब ये बात बोली कि राहुल गांधी दलितों के घर हनीमून मनाने जाते हैं, हमने उस पर केस किया। और उसके अलावा कमाल राशिद खान ने जब ये बात बोली कि जितने गंदे जितने घटिया यूपी के चूड़े और चमार होते हैं उतने पंडित नहीं होते, हमने उस पर केस किए। और जितनी भी दलित एट्रोसिटीज़ पर रेप केसेज हैं, हमने उस पर केस किए। और उसके अलावा हमने एक केस किया जिसके अंदर पहली बार भारत के अंदर जो माइनर है, गैर जाति का, दबंग जाति का, वो मेजर ट्रीट हुआ, वो हमारे केस में हुआ। अब अगर मैं बीसीडी चुन के जाता हूँ तो मेरी बात में, मेरी आवाज़ में इतना दम होगा कि जो जज आज मुझे एट्रोसिटी माइंड से मुझे देखता है वो नहीं देख पाएगा, क्योंकि समाज की ताकत मेरे पीछे होगी, वकीलों की ताकत मेरे पीछे होगी। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जितनी भी अत्याचार होंगे, चाहे वो कंधमाल का हो, चाहे ऊना का हो, चाहे बदानी टोला का हो, चाहे फूलपुर बाते का हो, चाहे सहारनपुर का हो, और चाहे पुणे कोरेगांव का हो, मैंने हर जगह आवाज उठाई है। और जीतने के बाद उससे बड़े लेवल पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हर जिले तक मैं अपनी आवाज़ पहुंचा पाऊंगा, क्योंकि मुझे संसाधन मिलेंगे अपने समाज को रिप्रेजेंट करने के लिए, वकीलों को रिप्रेजेंट करने के लिए। और कोई भी व्यक्ति, मैं कहूंगा कि अगर मैं बीसीडी जीतता हूं तो ये मेरा दायित्व होगा कि हर अत्याचार करने पर मैं समाज का बदला लूंगा, मेरी टीम समाज का बदला लेगी, और हम उस मुकदमे को अंत तक लड़ेंगे, ये मेरी मंशा है। ये थे युवा कैंडिडेट बीसीडी के, और ये हकीकत बात है कि जब इस तरीके की कोई लोबी आती है, ये सबसे आगे खड़े नज़र आते हैं, चाहे सहारनपुर का कांड हो, ऊना का कांड हो, और या बीके सिंह जी का कांड हो, जो ये मंत्री हैं उनके बराबर टक्कर ली और उनको एक केस में जो एक कुत्ता बोला गया था, कि आम जनता का कुत्ता बोला गया था, उसमें इन्होंने FIR लॉन्च कराई। तो ऐसे युवाओं की ज़रूरत है कि बीसीडी के अंदर जाएँ और समाज का भला करें।